आज से 5 साल पहले एक नोटबुक की कीमत 5 से 10 रुपया होती है, मगर आज वही नोटबुक 50 से 100 रुपया में आती है। इसका मतलब 10 गुना इजाफा हुआ इसमें। मगर अखबार भी तो कागज़ की होती है, वो तो इतनी मोटी होती है कि जिससे एक कमरे को पूरी तरह से ढका जा सकता है, फिर भी ये हमें 4 से 10 रुपया में क्यों मिलती है? आपने तो ये चीज़ न्यूज़पेपर्स में नोटिस तो की होगी, न्यूज़ से ज़्यादा उसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जो हम 4 से 10 रुपया में न्यूज़पेपर मिलता है वो हम खाली डिलीवरी चार्ज देते हैं, न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते हैं।